हैं और सलाम अलैकुम, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। कमिश्नर टास्क फोर्स सोजोन टीम हैदराबाद ने फलकनुमा पुलिस के साथ तारा जर्दा फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां अच्छी रेड्डी नगर फलकनुमा हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर खिवाम मवाद तैयार किया जा रहा था। मोहम्मद जलील खान उमर 33 साल नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। तहकीकात के दौरान ये पता चला कि खिवाम एक ममनुआ प्रोडक्ट है। ये शख्स कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के इरादे से ये गैर कानूनी सरगर्मी अंजाम दे रहा था और जरूरतमंद सारिफीन को फरोख्त करने के लिए इसे पैक कर रहा था। इसे गिरफ्तार करके इसके कब्जे से एक शिमला खिवाम 500 ग्राम, कल्पना खिवाम 500 ग्राम, कल्पना खिवाम 1 किलोग्राम, कल्पना खिवाम 2 किलोग्राम गुलाब का अरख, 33 लीटर चांदी का वरक, 200 ग्राम मकई का आटा, 50 किलोग्राम तंबाकू पाउडर, 30 किलोग्राम मुख्तलिफ ब्रांड के नामों के साथ लेबल गिरफ्तार किए गए। मुलजिम और जब्त शुदा अशिया को मजीद कार्रवाई के लिए SHO फलकनुमा PS के हवाले कर दिया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।